Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with another DIY video. And in today's video, we are going to paint Northern Lights on glass bottle. तो इसके लिए हम एक छोटी बॉटल लेने वाले हैं और इसको मैंने पेंट किया है वाइट एक्रेलिक कलर से. इसको वाइट एक्रेलिक कलर का एक ही कोट दिया हुआ है. तो अगर आपको देखना है कि मैंने एग्जैक्टली कैसे पेंट किया है तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने सारी प्रोसेस एक्सप्लेन की है कि एग्जैक्टली कैसे कैसे डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके आप ग्लास बॉटल को पेंट कर सकते हो. तो वो वीडियो आप देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस आई बटन में मैं दे देती हूँ. तो जैसे ही आपका पेंट हो जाता है वाइट कलर, फिर उसको आप ड्राई होने दो एटलीस्ट 6 to 8 hours. और फिर हम उसके ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई कर रहे हैं. इसके लिए मैं छोटा स्पंज डैबर यूज़ कर रही हूँ. ऊपर के साइड में हम पूरा कलर देंगे और नीचे थोड़ा लाइट करते जाएंगे. यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ. एकदम लाइट आपको डैब करना है. और फिर मैं कलर चेंज करने वाली हूँ. ये ग्रीन कलर मैंने इसमें डाल दिया है और इन दोनों कलर्स को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे बीच में. ब्रश से अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा हार्ड जाएगा, बिकॉज कलर ब्लेंडिंग में जो स्पंज होता है वो काफ़ी हेल्प करते हैं. तो कलर देने के बाद हम इसको भी कम से कम 6 to 8 hours ड्राई होने देंगे. और ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है. अब हमें क्या करना है, हम एक सर्कल कट करने वाले हैं. तो कोई भी एक जगह से हम इस तरह से नेल से एक सर्कल बना लेंगे और फिर हम वो पोर्शन का सारा कलर नेल से ही निकाल देंगे. अगर आपको लगता है कि आप अपने नेल से नहीं निकाल सकते हो तो आप कटर यूज़ कर सकते हो. बट कटर अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़ा केयरफुली काम करना, बिकॉज कटर से पॉसिबिलिटी है कि आप आजू बाजू का कलर भी निकाल दो. इसलिए थोड़ा सा केयरफुली काम करना कटर के साथ. नेल से इजीली हो जाता है. तो ये हमारा हो गया है मून. अब इसको हम वाइट एक्रेलिक कलर दे देंगे, नॉर्मल ब्रश से दे देंगे. तो मून हो गया है. अब मून के आजू बाजू जो स्टार्स होते हैं वो हम निकालेंगे. चांद हो गया है, चांदनी निकाल रहे हैं हम. तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चांदनीज निकाल लेना. और फिर हम जो नीचे का पोर्शन है वो करेंगे. उसके लिए हम ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे और एक छोटा सा टेंट भी हम उसमें ऐड करने वाले हैं. इसके लिए राउंड ब्रश नंबर 000, जितना छोटा आपके पास है उतना छोटा यूज़ करके आप छोटे डॉट्स दे देना वाइट एक्रेलिक कलर के. अब यहाँ पे बॉटल के ऊपर के पोर्शन में वाइट कलर ही था, इसलिए मैंने उसके ऊपर भी ब्लू कलर दे दिया, नॉर्मल ब्रश से दे दिया. क्योंकि उसके ऊपर उसका कैप आने वाला है बॉटल का, तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं उसमें. अब हम नीचे के ट्रीज़ निकालेंगे. तो इसके लिए आप ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर लो और कोई भी अच्छा राउंड ब्रश नंबर 01. जितनी छोटी आपकी बॉटल है उतना छोटा ब्रश यूज़ कर लेना. और अगर आप बड़ी बॉटल यूज़ कर रहे हो तो राउंड ब्रश नंबर 1 या 2 भी इनफ है. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ. अब हम सेम जैसे वहाँ के पेड़ होते हैं वैसे ही पेड़ हम यहाँ पे बनाएंगे. बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ बना दो, क्रिसमस ट्रीज जैसे.
पूरी बॉटल को भी आप बना सकते हो या फिर सिर्फ फ्रंट का जो पोर्शन है उसमें भी बना सकते हो। अब ये ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, मैंने पीछे के साइड में ट्रीज़ नहीं बनाए हैं। तो टेंट को मैंने आउटलाइन किया है रेड कलर से और बॉटल का जो कैप है उसको मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर दिया है और कैप के अंदर ये कॉर्क लाइट मैंने अटैच की है। कॉर्क लाइट मैंने फेवी बॉन्ड से स्टिक कर दिए है वहाँ पे, तो वो निकलेगी नहीं और यही से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो कॉर्क लाइट है उसको राइस लाइट्स भी बोलते हैं। अगर आपको ये परचेस करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो एक बार चेक कर लेना। और ऐसे ही हम इस बॉटल के अंदर डाल देंगे और कैप को बंद कर देंगे तो ये विथ लाइट्स भी हो जाएगी और विदाउट लाइट्स भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है, राइट। अब फिनिशिंग पार्ट आता है, तो उसके लिए मैं ये लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ कर रही हूँ और आई थिंक मैट फिनिश ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने मैट फिनिश का वार्निश अप्लाई किया है। और ये रहा इस बॉटल का फाइनल लुक। जो ट्रीज़ का साइज़ है वो और जो टेंट का साइज़ है वो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। मैंने एक डिफरेंट बॉटल में उसका साइज़ बढ़ा दिया तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।